हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एमसीबी के एम्पियर को कैसे पता करें, यानी एमसीबी कितने एम्पियर का लगा हुआ है उसे बिना खोले कैसे पता करें। तो आइए मैं आपको एमसीबी दिखाता हूँ और उसके बारे में भी कुछ बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एम्पियर उसका कैसे पता करें। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ एमसीबी मेरे पास है और यह एमसीबी खुला हुआ है और जो कि अलग से निकाला गया है। मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि एमसीबी कितने एम्पियर का होता है और उसका एम्पियर कैसे पता करें, और किसी भी एमसीबी का एम्पियर हम कैसे जान सकते हैं कि वो कितने एम्पियर की एमसीबी लगी हुई है। कभी कभी ख़राब होने पे हमें उसका एम्पियर नहीं पता चल पाता है कि वो कितने एम्पियर का है, और जो है कि जब हमें ख़रीदना होता है, जब हमसे दुकानदार पूछता है कितने एम्पियर की लगी हुई है, तो हम थोड़ा जो है कि क्लियर से नहीं बता पाते हैं कि कितने एम्पियर की लगी हुई है। तो एम्पियर जानने का जुगाड़ मैं आपको एमसीबी में बताऊंगा कि एमसीबी में एम्पियर कैसे जाना जाए। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कार्य के अनुसार जिस हिसाब से हमें आवश्यकता होता है, जिस हिसाब से हमें चीज़ों को चलाना होता है, सामान को, उस हिसाब से एम्पियर की एमसीबी लगाई जाती है। जैसे हमें लगभग 1 किलोवाट तक का वजन सिर्फ और सिर्फ 1 किलोवाट तक चलाना है तो हमें 6 एम्पियर का एमसीबी लगाया जाता है। 6 के बाद आता है 16, 25, 32, 64, ऐसे करके एमसीबी आता है। तो एमसीबी का कई अनेकों मतलब रूप है, यानी एमसीबी एक ही साइज का होता है और उसका एम्पियर अलग अलग होता है। बोल्ट भी लगभग सेम होता है और उसका एम्पियर अलग अलग होता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह देख सकते हैं, ये जो एमसीबी है इसका यही साइज होता है और यही जो है कि इसका साइज है, और ये साइज हर साइज का एमसीबी मतलब हर कंपनी का एमसीबी इसी साइज का होता है और इसमें कोई फर्क नहीं होता है। और ये जो है कि 220 वोल्ट का आता है और इसका एम्पियर जो होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग एम्पियर होने के अनुसार अलग अलग काम करता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें पता न होने पे हम जब ज़्यादा एम्पियर का एमसीबी ले लेते हैं तो वो क्या होता है कि जब हमारे घर के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है तो उतना एम्पियर नहीं बन पाता है कि हमारा एमसीबी ट्रिप कर पाए। तो ऐसी भी दिक्कतें आती हैं जब हम ज़्यादा एम्पियर का एमसीबी लगा देते हैं, क्योंकि जो है कि 6 एम्पियर का हुआ, चाहे 16 एम्पियर का हुआ, चाहे 32 एम्पियर का हुआ, चाहे 64 एम्पियर का हुआ, चाहे 25 एम्पियर का हुआ, चाहे 50 एम्पियर का हुआ, ये सब जितने भी एमसीबी हैं इनके रेटों में मात्र 10 से 20 रुपए का आगे पीछे होता है। तो जैसे आप 6 एम्पियर का एमसीबी ले रहे हैं तो उससे 10 रुपया महंगा जो है कि आपको 16 एम्पियर का मिलेगा। तो ऐसा होता है, 10-15 रुपए का आगे पीछे होता है, तो लोग उसमें 6, 16 और 32 का मान्य नहीं करते हैं, सोचते हैं कोई भी डाल दीजिए, जितना ज़्यादा हम पावर का डालेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना सेफ रहेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ज़्यादा पावर का एमसीबी डाल रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो घर में जैसे कुछ भी शॉर्ट सर्किट होगा तो वो शॉर्ट करने पे ट्रिप नहीं करेगा। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि एमसीबी में एम्पियर कैसे पता करें। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 220 वोल्ट लिखा हुआ है और यहाँ जो है कि यहाँ आप देख सकते हैं 1, 1, 2, 3, 4, 0, एक जो है कि यहाँ जो है कि 10,000 लिखा हुआ है ए, लेकिन ये 10,000 ए जो है ये एम्पियर नहीं है। इसके नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है B25, यानी ये 25 एम्पियर का एमसीबी है। किसी पे देखेंगे जैसे अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से लिखती है, यहाँ देख सकते हैं कि B25 लिखा हुआ है, किसी पे C32 लिखा होता है। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि B25 लिखा हुआ है तो ये जो है कि 25 एम्पियर की एमसीबी है, किसी पे C32 लिखा होता है, किसी पे D64 लिखा होता है, किसी पर A10 लिखा होता है, इस तरीके से ABCD करके ग्रेडिंग दिया होता है। उसके बाद जो है कि उसके आगे जो है कि अपना वो एम्पियर दर्शाती है। और आप बिना एमसीबी को खोले, यानी जब आप देखेंगे कि एमसीबी बॉक्स में लगा होता है तो इतना ही सिर्फ सरफेस इसका दिखता है और उस पर आप देख सकते हैं कि आगे ये B25 यानी 25 एम्पियर का एमसीबी लगा हुआ है। अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से ABCD का कोडिंग डाल के आगे एमपियर लिखती है, 25, 26, 50, 6, 16, 32, 64 इस तरीके से लिखा होता है। और आप देख के ऊपर से ही पता लगा सकते हैं कि कितने एमपियर का एमसीबी लगा हुआ है, और खोलने के बाद बहुत ही आसानी से आप उतने एमपियर का फिर से लाके वहाँ बदल सकते हैं। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने मेरे चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।